हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आपका फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी एनएचएम 17000 प्लस वैकेंसी रिजल्ट को लेकर। ठीक है, देखिए फार्मासिस्ट के रिजल्ट आने के बाद एनएम स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन वाले बहुत ज्यादा मतलब कमेंट कर रहे हैं मेरे सभी वीडियो पे जाके, उसके बाद ग्रुप में और पर्सनल व्हाट्सएप पे या कॉल के माध्यम से पूछ रहे हैं सर हम लोगों का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो बात करेंगे उनका परिणाम कब आएगा और फार्मासिस्ट की कट ऑफ स्कोर कार्ड कब आप चेक कर पाएंगे कि हमको कितने रॉ मार्क्स मिले हैं और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितने मिले हुए हैं, कितना हमारा नंबर है, यह चीज ये कब जान पाएंगे जो फार्मासिस्ट एलोपैथिक का रिजल्ट आया है। ठीक है, अभी तो इनके पास लिस्ट आई है कि लिस्ट में नाम दिया है, आप अपना नाम चेक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अभी स्कोर कार्ड इनका कब शो करेगा। ठीक है, इस चीज को बात करेंगे, उसके साथ साथ वेटिंग लिस्ट कब आएगी। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन्होंने दिया है। ठीक है, लेकिन रिजल्ट जिस तरीके से देना चाहिए उस तरीके से नहीं है, क्योंकि टोटल वैकेंसी जो है उतना ही रिजल्ट दिया है और एक कैंडिडेट का तीन तीन चार चार रिजल्ट आया है, तो इससे जब डीवी कराया जाएगा तो बहुत सारी सीटें खाली ही हो जाएंगी। लगभग 400-480 सीटें हैं, 90 सीटें हैं, तो मान के चलिए 200 या इससे भी कम लोग ज्वाइनिंग कर पाएंगे, तो आपकी अभी मतलब बहुत ज्यादा सीटें खाली होंगी और बहुत ज्यादा लोगों को बुलाया जाएगा। जिससे नोटिस में इन्होंने बताया था कि हम तीन गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। ठीक है, वेटिंग लिस्ट बनाएंगे, तैयार करेंगे। ठीक है, तो और देखिए उसके बाद ये भी बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिल रहा है। ठीक है, कितना नंबर मिला है, क्योंकि कट ऑफ आपने देखा होगा फार्मासिस्ट की ठीक ठाक गई है भाई, जान कट ऑफ आई जाना लाजमी है। देखिए वैकेंसी कम है, 70-80 हजार फॉर्म फिलअप हुए हैं। ठीक है, तो कट ऑफ जाएगा ही, कोई घबराने वाली बात है, लेकिन एनएम स्टाफ नर्स और अन्य जो आपके एनएम स्टाफ नर्स और लैब टेक्नीशियन के जो है इनका कट ऑफ इसके तुलना में बहुत कम रहेगा। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक रीजन और भी है कट ऑफ ज्यादा जाने का, नॉर्मलाइजेशन इंक्रीज कर रहा है 5 नंबर 10 नंबर मैंने देखा है। ठीक है, एक कैंडिडेट का कमेंट आया था सर मेरा 57 नंबर था एनयूएचएम प्रोग्राम में, लेकिन अभी मेरा शॉर्ट लिस्टेड में नाम है, मुझे लगता है मेरा नंबर इंक्रीज हुआ है, पेपर मेरा हार्ड था। ठीक है, तो इनका अगर 57 नंबर था तो जहां तक मुझे लग रहा है इनका 10 नंबर से ज्यादा ही इंक्रीज किया हुआ, 10 या 11 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिला हुआ, तभी इनको एनयूएचएम प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद पूछेंगे डीवी कब होगा सर, डीवी और जो वेटिंग लिस्ट है डीवी के बाद आएगी या पहले आएगी। तो देखिएगा जहां तक अगर रिजल्ट अन्य भर्तियों का अभी इन्होंने जैसे स्टाफ नर्स के बाद एनएम का दे दिया या स्टाफ नर्स का दे दिया, लगातार रिजल्ट आते रहे तो सबका डीवी साथ में कराया जाएगा, नहीं तो अगर डिले होगा तो पहले इनका डीवी करा लिया जाएगा फार्मासिस्ट वालों का। ठीक है, डीवी के बाद जितने लोग बचते हैं फिर वेटिंग लिस्ट या जारी कराएंगे, फिर वेटिंग लिस्ट वालों का डीवी किया जाएगा। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट में तीन गुना इन्होंने बोला है तो तीन गुना सिलेक्शन देने वाले हैं। तो देखिए यूपी एनएचएम जो 17000 प्लस वैकेंसी एनएम स्टाफ नर्स का परिणाम, देखिए आज मंडे है, आज के डेट में आपको कोई रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है, चाहे वो एलटी का हो, चाहे एनएम का हो, चाहे स्टाफ नर्स का हो। ठीक है, आपका रिजल्ट आज के डेट में किसी न किसी का आ सकता है, आज नहीं आ सकता तो कल आ ही जाएगा। ठीक है, रिजल्ट धीरे धीरे आ रहा है और सबका आएगा। ठीक है, और देखिए नॉर्मलाइजेशन में आपको 5-10 नंबर मिल सकते हैं, तो कम नंबर है निराश ना हो, और जो 1-2 नंबर से कटाव से, देखिए कटाव से 2-3 नंबर जी फार्मासिस्ट वालों की बात कर रहा हूँ, कटाव से 2-3 नंबर से रुका है सिलेक्शन, तो टेंशन मत लीजिए, वेटिंग लिस्ट में आपका नाम होगा। ठीक है, और आपका डीवी भी कराया जाएगा और डीवी में आपका हो जाएगा। ठीक है, डीवी के बाद देखिएगा डीवी कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगा, इसके लिए मैं एक थोड़ा सा आरटीआई फिर से लगाया हूँ। ठीक है, और कुछ लोग बोलेंगे कि आरटीआई लगाने से क्या फायदा सर, आरटीआई का रिप्लाई आता नहीं, और देखिए मैं बोला अगर मैं आरटीआई लगाऊं और रिप्लाई ना आए तो हो ही नहीं सकता है, आप लोग सभी जानते हैं, 2 बार आरटीआई लगा चुका हूँ और रिप्लाई भी ले आया हूँ, ऐसे छोड़ते नहीं हम जब तक रिप्लाई में मिलता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं आरटीआई लगाया हूँ, क्या लगाया यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को आरटीआई लगाया गया है मेरे द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे नाम भी मेरा दिख रहा है सुरेश कुमार। ठीक है, एड्रेस दिखाई दे रहा होगा आपको, सब्जेक्ट में क्या है आप देख सकते हैं, पहला सब्जेक्ट है यूपी एनएचएम 17000 प्लस फार्मासिस्ट एलोपैथिक वेटिंग लिस्ट व्हेन एंड हाउ मच विल कम। ठीक है, दूसरा है व्हेन विल द रिजल्ट ऑफ यूपी एनएचएम 17000 प्लस वैकेंसी एनएम स्टाफ नर्स एंड लैब टेक्नीशियन। ठीक है, एक और दो क्वेश्चन और मैंने पूछा इनसे। ठीक है, विल द ज्वाइनिंग ऑफ 17000 कैंडिडेट बी डन बाय फरवरी 2024, आपका जो ये करा रहे हैं 2024 तक ज्वाइनिंग करा लेंगे कि नहीं करा लेंगे। ठीक है, उसके बाद व्हेन विल डीवी ऑफ यूपी एनएचएम 17000 फार्मासिस्ट एलोपैथिक वैकेंसी, आप डीवी कब कराएंगे। ठीक है, इनका 17000 प्लस फार्मासिस्ट वालों का। ठीक है, तो अब ये देखना है कि कितने दिन में रिप्लाई दे देते हैं। देखिए हो सकता है रिजल्ट तो आपको आ जाए एनएम स्टाफ नर्स का, लेकिन डीवी के लिए टाइम और ज्वाइनिंग की जो डेट है ये आपको पता चल जाएगा इस रिप्लाई के माध्यम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्फर्म पेमेंट के लिए, फिर यहाँ पे हमने पेमेंट भी कर दिया था। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं पेमेंट होने के बाद ये जो रिसीविंग मिली थी वो चीजें हैं। काले आईटीआई लगाने का एक और मोटिव था कि उनको थोड़ा पता चले कि हाँ रियल में हम ज्वाइनिंग के लिए परेशान हैं और जल्द ज्वाइनिंग के लिए परेशान हैं, इसलिए आईटीआई हमने लगाया है, और हमने ही नहीं लगभग 5 लोगों से मैंने लगवाया इस चीज को, ताकि उनको एहसास हो कि हम रिजल्ट के लिए ही नहीं बल्कि ज्वाइनिंग के लिए भी परेशान है और सीरियस भी है। ठीक है,
हम यही चाहते हैं कि हमारा ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो जाए, फरवरी जनवरी तक ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है। इसलिए आरटीआई हमने लगाया है और उसके साथ साथ कुछ जानकारी भी हमको पता चल जाए। देखिए गाइस, आरटीआई की रिप्लाई से ही पता चल जाएगा कि इनका क्या नजरिया है ज्वाइनिंग के लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर चुनाव से पहले करवाने वाले हैं या बाद में, ये सब कुछ रिप्लाई के माध्यम से। अगर रिप्लाई में कुछ ऐसे जवाब आता है तो उसी से अनुमान लग जाता है कि ये कब वैकेंसी को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। उसी को देखते हुए फिर हम आगे की जो भी अपना जिस तरीके रिजल्ट के लिए हमने प्रयास किया उसके लिए ज्वाइनिंग के लिए भी करना पड़ेगा हमको, ठीक है। बाकी क्या देखिए गाइस, जो भी आपके डाउट लगातार बन रहे हैं कि सर हमारा कट ऑफ कितना जाएगा एनएम स्टाफ नर्स वाले, देखिए मैंने कट ऑफ की वीडियो अपने इसी चैनल पे अपलोड किया है, बहुत पहले अपलोड किया, दो दो बार नहीं तीन तीन वीडियो अपलोड किए हैं कट ऑफ की, ठीक है। एक आपका एग्जाम होने के बाद, फिर एक आंसर किया आने के बाद, फिर जब वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई थी तब, ठीक है। तो आपको मैं वीडियो पिन कर दूंगा, ठीक है, आपके कमेंट बॉक्स में ही लिंक पिन कर दूंगा, वहां से जाके वो वीडियो आप देख लीजिए। आप देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीवी में क्या क्या लगेगा, तो डॉक्यूमेंट का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है भैया, जब आपका एग्जाम कंडक्ट हुए थे, ठीक है, तभी मैंने डीवी का भी वीडियो अपलोड किया, उसका भी मैं जो लिंक है पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, वो भी आप देख लीजिएगा। अदरवाइज फिर आपको लगता है कि सर वीडियो चाहिए तो वो वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, और उनके द्वारा जो ऑलरेडी सेलेक्ट हुए हैं एनएचएम में जो कर रहे हैं, ठीक है, 2018-19 से उनके समय क्या क्या डीवी लगा था, उन्हीं के माध्यम से उन्हीं के द्वारा मैं आपको वो चीजें बताऊंगा, ठीक है। और भाई सबसे बड़ा सवाल अब ये देखिए, रिजल्ट आने के बाद देखिए लोगों को मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि सर आप एज ए फार्मासिस्ट आपने गए थे 5 अक्टूबर के धरना दिए थे, तो इसी कारण आप लोगों का ही मतलब फार्मासिस्ट वालों का ही रिजल्ट आया है, तो ऐसी बात नहीं है। वहां पे जब 5 अक्टूबर को गए थे, ठीक है, हम लोग धरना प्रदर्शन करने नहीं गए थे, हम लोग अनुरोध करने गए थे, ठीक है। तो अनुरोध करने वहां पे केवल फार्मासिस्ट के लोग नहीं गए थे, एएनएम के लोग भी आए थे, स्टाफ नर्स के लोग, सबसे ज्यादा तो लैब टेक्नीशियन वाले लोग आए थे, तो उनका क्यों नहीं पहले आया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फार्मासिस्ट वाले गए थे इसलिए फार्मासिस्ट का रिजल्ट पहले आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ठीक है। हाँ, फार्मासिस्ट के गए थे हम, एज अ फार्मासिस्ट हम खुद ही गए थे, लेकिन बट आपका इस चीज के लिए मोटिव नहीं गया था कि केवल फार्मासिस्ट का ही रिजल्ट आ जाए, ठीक है। वहां पर 17,000 वैकेंसी के सभी के लिए रिक्वेस्ट किया गया कि सर रिजल्ट जल्द से जल्द जारी हो, और आप लोगों का आएगा, 2-3 दिन में ही आ जाएगा। 2 दिन छुट्टी थी शनिवार और रविवार को, मैंने वीडियो फ्राइडे को ही अपलोड किया था, उसमें बताया था कि 2 दिन तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, किसी भी पोस्ट का। 2 दिन के बाद आपका जो भी है मंडे से रिजल्ट आना शुरू होगा, ठीक है। तो हो सकता है इसी वीक में पूरा रिजल्ट सभी का क्लियर हो जाए। फार्मासिस्ट का रिजल्ट आने का एक और रीजन है, देखिए फार्मासिस्ट के बीते कई दिनों से एनएचएम के द्वारा कोई भर्ती नहीं, एनएचएम क्या यूपी में कोई भर्ती ही नहीं आई है, ठीक है, फार्मासिस्ट की, तो फार्मासिस्ट की कमी है जिसके कारण ये जल्द से जल्द इसको प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। और आप अभी आपने एनएम का तो देख ही लिया होगा, एनएम का अभी यूपी तक प्लेसी के जरिए से 10,000-9,000 और भी भर्तियां एनएम की हुई है, और स्टाफ नर्स के आपने देखा ही है लगातार सीएचओ वगैरह ये सभी हो ही रहे हैं, तो स्टाफ नर्स की भी इनको ज्यादा जरूरत नहीं। एलटी और आपका लैब टेक्नीशियन और आपका ये फार्मासिस्ट का तो नीड था, इसलिए इन्होंने जल्द से जल्द इनका प्रक्रिया चालू कर दिया है, चलता भी रहेगा, आप लोगों का भी चलेगा, ऐसी बात नहीं है। देखिए अब अगला रिजल्ट हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है लैब टेक्नीशियन का है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, फिर एनएम को, फिर स्टाफ नर्स को देखने को मिलेगा। देखिए लैब मैं बार बार हर एक वीडियो में बोला हूँ, लैब टेक्नीशियन का कटऑफ बहुत ही कम जाएगा, डीवी वगैरह जो भी है अपना जो भी कोविड एक्सपीरियंस है ये सब रेडी करके रखें, ठीक है, क्यूआर कोड वाला बोला क्यूआर कोड, जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, ये सब रेडी करके रखें, क्योंकि मैक्सिमम गलतियां इसी में होती हैं। बाकी गाइस अगर किसी भाई को लग रहा है कि मेरा नंबर बहुत ज्यादा था, 70-80 नंबर था, फिर भी मेरी टीम में मेरा नाम नहीं आया है, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को हम सुनेंगे और जो भी है आयोग के पास जाके उनसे बात करेंगे कि सर ऐसा क्या हो गया, जो मेरे से कम नंबर था उनका सिलेक्शन हुआ है और मेरा ज्यादा होने के बाद सिलेक्शन की नहीं हुआ, उनकी भी समस्या को रखी जाएगी, ठीक है, सुना जाएगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि भैया आपका रिजल्ट एकदम दुरुस्त है, रिजल्ट में कोई कुछ चीजें नहीं हुआ है, जो लोग बोल रहे थे कि पैसे पे चल रहा है सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैंने भी जानकारी लिया, मैंने भी पता किया, और भी लोग थे दिए थे भैया, उनका कोई कुछ नहीं हुआ है, आंसर के आने पे ही उनका पता चल गया था कि कुछ नहीं हुआ है, तो रिजल्ट में कैसे क्या हो सकता है। तो आपका कुछ नहीं हुआ है, आपकी भर्ती सेफ और दुरुस्त है एकदम, कोई दाग नहीं हुआ है, और ऐसा होता भी रहेगा, ठीक है। कट ऑफ हाई गया है, नॉर्मलाइजेशन में नंबर इंक्रीज हुए हैं, 5 नंबर से लेकर 10 नंबर तक इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, और फार्मासिस्ट की कट ऑफ तो जाना तय ही था भैया, बहुत ज्यादा भीड़ थी इसमें। तो आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, और बाकी जो भी डाउट आपके बच रहे हैं प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिए जो भी मैं फिर बोला, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हो रहे हैं एक ग्रुप में बना दे रहा हूँ, ठीक है, वो लोग अपना इंटरव्यू दें, ठीक है, ताकि कुछ यादगार रहे भैया, यादगार चीजें आपको यूट्यूब पे हमेशा के लिए पड़ी रहेंगी। आप भी चीजें देखिए, मैं इस चीज को मान रहा हूँ कि आपकी ये बहुत बड़ी जॉब नहीं है, लेकिन फिर भी इस बेरोजगारी में इस जॉब को पाना
कोई मतलब छोटी सी बात नहीं है, और खुशी की बात है कि आप समाज सेवा नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत लोगों की सेवा करने जा रहे हैं, ठीक है। पेमेंट जो भी है वो बात की बात है। परमानेंट भर्तियों का आप देख ही रहे हैं, 4 साल 5 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है, आ भी रही है तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो भी चीज़ें हो रहा है। अभी पेट का आपने पेट का पेपर दिया हुआ, लेवल देखा आपने किस तरीके से लेवल इन्होंने सेट किया है, और जब भी वैकेंसी अभी आती है तो कट ऑफ निर्धारित करते हैं तो 60-65, यहाँ पे अच्छे अच्छे को 60-65 लाने में पसीना छूट गया होगा इस बार के पेपर में, तो लेवल देख ही रहे हैं किस तरीके से सिस्टम चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यूपी में तो हालत बहुत खराब है, ठीक है, रोजगार पे कोई बात ही नहीं सही तरीके से करने वाला है। बिहार में लगातार वैकेंसी देखने को मिल रही है जबकि यूपी में कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, बस इनको प्राय देख रहे हैं जब पेट ये वो होगा ये वो होगा, और न्यूज़पेपर के माध्यम से बता रहे हैं इतनी भर्ती है, लेकिन ऑफिशियल तरीके से ये रिक्वायरमेंट नहीं करा रहे हैं। तो बाकी आप इस अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है हंसी खुशी ज्वाइन कीजिए, अच्छी जॉब है, और आगामी दिनों में वैकेंसी देखने को मिलेगा ही परमानेंट, चाहे वो एनएम की हो, चाहे स्टाफ नर्स का हो, चाहे वो फार्मासिस्ट का हो, ठीक है, तो वैकेंसी आएंगी ही, तो आपका ये एक्सपीरियंस मैटर रखेगा, इसका एक्सपीरियंस आपका उसी में काम देने वाला है, ठीक है भैया। और देखिए यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया तो भी और अच्छी बात है, बहुत इससे ज़्यादा अच्छी बात है ही नहीं, अगर एनएचएम में आप जॉब कर रहे हैं और आपको होम डिस्ट्रिक्ट पे मिल गया हो, ठीक है। गाइज लगातार जो भी कमेंट आ रहे थे आपके, सर आपका किसी में हुआ कि नहीं, आपने डाला था कि मैं फिर बोल रहा हूँ, और इसके पहले भी बोला था कि मैंने कोई फॉर्म फिल नहीं किया था, बस आपके सपोर्ट के लिए कंटिन्यू था लगा था। हाँ कुछ थे जान पहचान के लोग जो अप्लाई किए थे वो बोले थे कि आप करिए सपोर्ट हमारा, तो उन्हीं की वजह से और आप सबकी वजह से इतने दिन से वीडियो अपलोड कर रहे हैं, और यूट्यूब पर मैं आया भी नहीं था कि चलो यहाँ पे चल के पैसा ये ऐसा वैसा कुछ नहीं, अगर ऐसा होता तो कंटिन्यू वीडियो बनाते अपलोड करते, जब मुझे लगता है कि जानकारी देनी चाहिए आपको तब दे देते हैं। बाकी अब जैसे ही आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाती है वैसे यूट्यूब पर वीडियो भी अपलोड करना बंद कर देंगे, क्योंकि इतना टाइम है नहीं हमारे पास कि हम वीडियो अपलोड करें, ये भी ऐसा वो भी चीज़ें, बस आपकी वैकेंसी क्लियर हो जाएगी इसके बाद बंद हो जाएगा। बाकी फिर भी जो भी अन्य भर्तियाँ आती हैं या कोई कुछ भी होता है तो उन पर जब जरूरत पड़ेगी फिर शुरू हो जाएगा वो काम जैसे चल रहा है, ठीक है। तो गाइस आशा करते हैं आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा के लिए बनाए रखेंगे, जो भी अपना ग्रुप है एनएचएम का, ठीक है, वो उसमें यूनिटी बना के रखेंगे, ठीक है। तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।